नमस्कार बच्चों, हमने पिछली कक्षा में भाषा के जन्म के बारे में जाना, जिसे लिखा था हमारे लेखक जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा जी के लिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम हुआ है कि किस तरह से पहले के ज़माने में जानवरों की बोली भाषा होती थी और उसमें जिस तरह से धीरे धीरे उसमें विकास होता चला गया और शब्द बनते चले गए और बाद में हमने छोटे छोटे वाक्य बनाए, यानी कि हमने, यानी कि जो इंसान थे पहले, उन्होंने जो ह्यूमन बींग्स थे वो शब्द और वाक्य बनाते चले गए। और उसके बाद में क्या होता चला गया, जब भाषा तरक्की करने लगी तब बहुत सारा जो जिक्र होता था, जब सभ्यता होती थी तब भाषा को गीत बनने शुरू हो गए और उन्हें गवैये गाते थे और उसका चलन हुआ। और पर उस वक्त बहुत ज़्यादा लिखावट, यानी कि किताबें वगैरह बहुत कम लिखी गई थी, तो लोगों को बहुत सारा कुछ याद रखना पड़ता था। और आगे क्या हुआ, आगे के बारे में भी हमने जाना, जहाँ पे बहुत सारे सभ्यता फैली हुई थी वहाँ पे लड़ाइयों के बाद गीतों की रचना करने का रिवाज शुरू हो गया था। तो और अभी हम जानेंगे कि आगे क्या क्या हो गया था। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। अभी भाटों और गवैयों को मरे हुए वीरों की बहादुरी के गीत बहुत अच्छे लगते थे। उस जमाने में आदमी की जिंदगी का एक खास काम लड़ना था। तो उस जमाने में जो भाटे थे, यानी कि जो गवैये थे, उन्हें वीर जो मरे हुए होते हैं, जो वीर लड़ाई के वक्त जो मर जाते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके जो बहादुर वीर होते हैं, उनके जो बहादुरी के गीत होते हैं, उसे उस ज़माने के आदमियों को, वो जो गवैये थे, उनको गाना अच्छा लगता था। और बच्चों, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं था, तो उस ज़माने में एक ख़ास काम ये था कि लड़ना है, लड़ाइयाँ लड़नी है और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजा के लिए भूमि का संक्रमण करना उनका एक मुख्य उद्देश्य था। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए उनके गीत भी लड़ाइयों के ही हैं। बच्चों, आपने सुना होगा, दिखा होगा या फिर सुना होगा, पिछले ज़माने में हमें जो भी हमें ज़्यादा कुछ मालूम होता है, जो गीत मालूम पड़ते हैं, वो सब लड़ाई के रिगार्डिंग ही है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हिंदुस्तान ही नहीं, दूसरे मुल्कों में भी यही रिवाज था। बच्चे, तो हिंदुस्तान यानी कि जो हमारी भारत है, उसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, दूसरे मुल्क यानी कि जो बेरे देश होते थे, उनमें भी यही रिवाज था। लिखने की शुरुआत भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिखने की शुरुआत बहुत ज़्यादा मज़ेदार, यानी कि जो हमें मज़ा आता है उसे हम मज़ेदार कहते हैं। तो उसी प्रकार हुई है। मैं चीनी लिखावट का बयान कर चुका हूँ। सभी मुल्कों में लिखना तस्वीरों से ही शुरू हुआ होगा। जो आदमी मोर के बारे में कुछ कहना चाहता होगा, उसे मोर की तस्वीर या खाका बनाना पड़ता होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लिखने की जो बहुत शुरुआत मज़ेदार हुई थी, तो पहले कह रहे हैं कि जो चीनी यानी कि जो चीन में लिखावट है, उसके बारे में वो पहले कह चुके हैं। जो दूसरे दूसरे देश है यानी कि सभी मुल्क जो है, उनमें जो लिखने का शुरुआत जो है, वो तस्वीरों से यानी कि चित्र बनाने से ही शुरू हुआ होगा। जैसे कि एक आदमी मोर के बारे में कुछ कहना चाहता होगा, तो उसे मोर की तस्वीर बनानी पड़ती होगी, या फिर मोर की जैसा कुछ दिखने वाला उसे बनाना पड़ता होगा, तभी दूसरे वाले को समझ में आता होगा, हाँ ये मोर के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस तरह कोई बहुत ज़्यादा ना लिख सकता होगा। धीरे धीरे तस्वीरें सिर्फ निशानियाँ रह गई होंगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि तस्वीरें बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं रहा होगा उनके लिए, क्योंकि हर बात के लिए तस्वीर बनाना बहुत मुश्किल होता है ना बच्चों। तो वहीं वो भी कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा, वो बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकते होंगे। इसी तरह से लिखते हुए धीरे धीरे जो तस्वीरें जो उस ज़माने में लिखी गई थी, जो ड्रॉ की गई थी, वो अभी निशानियाँ बन के रह रही है। इसके बहुत दिनों पीछे वर्णमाला निकली होंगी और उसका रिवाज हुआ होगा। और जब तस्वीरें लिखना शुरू होगा, जब वो मुश्किल आती चली गई होंगी, तभी वर्णमाला की शुरुआत हुई होगी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं ना हिंदी की वर्णमाला के बारे में, कन्नड़ा अक्षरमाला के बारे में,
जो उसी प्रकार वर्णमाला का रिवाज शुरू होगा। इससे लिखना बहुत सरल हो गया और जल्दी जल्दी तरक्की होने लगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि जब वर्णमाला का शुरुआत हुआ होगा तो लिखना बहुत जल्दी जल्दी होता था ना, चित्र लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता होगा, वही शब्द लिखने में बहुत आसानी होती है ना बच्चों। अगर हमें कभी मोर का चित्र लिखना होगा तो हमें उसमें मैक्सिमम 1 से 2 घंटे लगेंगे, अगर हमें कोई बड़ा सा चित्र लिखना है तो। वही अगर हम मोर करके 2 शब्द में लिखेंगे तो बहुत जल्दी यानी कि 2 सेकंड में होता है। तो इसी प्रकार से भाषा तरक्की करती चली गई होगी। बच्चों अभी हम आगे बढ़ेंगे। संख्या और गिनती का निकलना भी बड़े मार्के की बात रही होगी। गिनती के बगैर कोई रोजगार करने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कह रहे हैं लेखक संख्या यानी कि हम जब नंबर्स जानते हैं और गिनती यानी कि जो हम एडिशन वगैरह सब करते हैं तो जो गिनती करते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी, क्योंकि गिनती के बगैर यानी कि अगर हमें अभी नंबर्स ही नहीं पता होंगे तो हम व्यवहार और व्यापार किस तरह से करेंगे, नहीं किया जा सकता ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। जिस आदमी ने गिनती निकाली वह बड़े दिमाग का या बहुत होशियार आदमी रहा होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आदमी जिसने गिनती को खोज निकाला, जिसने गिनती की शुरुआत की, वो बहुत ज़्यादा होशियार रहा होगा और उसके पास जो दिमाग था वो सामान्य व्यक्ति के पास ना होता होगा, वो कोई ज्ञानी ही होगा, ये हमें यहाँ पे कह रहे हैं। यूरोप में पहले अंक बहुत बेढंग से थे, यानी कि जो यूरोप हमारी जो यूरोप कंट्री है वहाँ पे जो नंबर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बेढंग यानी कि उनका कोई पैटर्न वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, थोड़े से बेढंग थे वो, ठीक है। तो रोमन अंकों को तुम जानती हो, तो रोमन अंक जैसे हम जानते हैं यह है रोमन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि, ये सब जो है ये है रोमन अंक। ये बहुत बेढंगे है और इन्हें काम में लाना मुश्किल है। हाँ ना बच्चों, अगर हम रोमन में बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, 1 से 5 तक आराम से लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, पर जैसे जैसे नंबर्स पढ़ेंगे यानी कि अगर हमें लिखना होगा 1,250 रुपया तो रोमन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मुश्किल है, ऐसे यहाँ पे लेखक अपनी बेटी से कह रहे हैं। आजकल हम हर एक भाषा में जिन अंकों को काम में लाते हैं वे बहुत अच्छे हैं, और कह रहे हैं कि आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं नंबर्स ये बहुत इजी भी है और बहुत अच्छे भी है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो नंबर्स है इन आदि अंकों को जो कह रहे हैं नंबर्स को यूज़ करना हमें बहुत ज़्यादा आसान लगता है। इन्हें अरबी अंक कहते हैं क्योंकि यूरोप वालों ने इन्हें अरब जाति से सीखा। ये जो नंबर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं इन्हें अरबी अंक कहते हैं। क्यों अरबी अंक कहते हैं? क्योंकि जो यूरोप कंट्री वाले लोग थे उन्होंने इन नंबर को अरब जाति वालों से सीखा था, लेकिन अरब वालों ने इन्हें हिंदुस्तानियों से सीखा था, इसलिए इन्हें हिंदुस्तानी अंक कहना ज़्यादा उचित होगा। तो यूरोप वाले ने अरबी जाति वाले से सीखा था, मगर अरबी जाति वालों ने किन से सीखा है? हम हिंदुस्तानियों से, इसलिए हम इन्हें हिंदुस्तानी अंक यानी कि इंडियन नंबर्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंडियन नंबर्स कहना ही ज़्यादा उचित होगा। तो बच्चों आशा है कि आपको भाषा के जन्म का जो पाठ है उसके बारे में समझ आ गया होगा। तो मैं फिर से मिलूँगी आपसे हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।